हेलो स्टूडेंट्स, तो मॉडर्न फिजिक्स की हमारी क्लास चल रही थी, ठीक है, जिसके हम कुछ लेक्चर ले चुके हैं। ठीक है, आज हम जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा, इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट पर, कि हम शुरू से बोल रहे हैं कि लाइट है फोटोन के रूप में आ रही है, उसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी दी, प्रोपागेट करता है कैसे लाइट, कैसे प्रोपागेट करती है, पैकेट्स के रूप में प्रोपागेट करती है, और हर एक एनर्जी का अगर पैकेट हो, अगर पैकेट है तो उसे क्वांटा बोलते हैं, और अगर वो एनर्जी का पैकेट है तो उसे फोटोन बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमने नेचर देखी कि फोटोन की कैसी नेचर होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है फोटोन, यानी कि अगर इसे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये कहीं भी डिफेक्ट नहीं होगा, अनअफेक्टेड रह जाएगा और उस फील्ड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और एनर्जी फोटोन की कितनी एनर्जी होती है वो प्लैंक्स ने बताया कि जो फोटोन की एनर्जी है वो उसकी जो रेडिएशन है या जो लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम, तो चूंकि ये बात प्लैंक्स ने बताई थी तो उसने जो कांस्टेंट लगाया उसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में हमने जाना कि जो एनर्जी है, जो पूरी लाइट है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो वो इंटीजर फॉर्म होगी, किसके, फोटोन के एनर्जी के इंटीजर के फॉर्म में होगी, यानी कि कभी भी उसकी एनर्जी आधा फोटोन नहीं होगी या 1/4 फोटोन नहीं होगी। ठीक है, इंटीजर वैल्यू होगी हमारे पास, यानी कि फोटोन की पूरी लाइट की जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू, जहाँ पर एन क्या है, एन बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, कभी भी 1.2, 1.5 ऐसी वैल्यूज नहीं होगी। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा पैकेट आएगा या पैकेट नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि क्वांटम वेरी कैसे करती है, लाइट की फ्रिक्वेंसी, लाइट की एनर्जी कैसे वेरी करेगी, एच न्यू के मल्टीपल में वेरी करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि इस फोटोन थ्योरी को हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट किसके रूप में आ रही है, पैकेट्स के रूप में आ रही है, और पैकेट्स को हमने क्या बोला है, क्वांटा बोला है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि हमने क्या देखा, एनर्जी को, ये ब्लैंक है, आप इसमें लिखते जाएंगे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ठीक है, तो E बराबर एच न्यू हमने लिखा। ठीक है, यहाँ पर H क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की स्पीड है। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है लगभग कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लेमडा क्या है, उस लाइट की वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है उस लाइट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आप लिखते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, न्यू को मैं लिख देता हूँ सी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो एक और हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया, लेमडा के रूप में और फ्रिक्वेंसी के रूप में। ठीक है, और एच की वैल्यू हमारे पास है, इसे यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे कि सी इंटू एच जो है वो एक हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में बहुत बार हमारे पास काम आएगा, तो यहाँ पर तो क्या है, एम के एच में है, सी किस में होगा, जूल इंटू सेकेंड में, सी किस में, एच किस में हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड में, सी किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, तो लेमडा किस में होगा, मीटर में। ठीक है, लेमडा किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अब मैं एक नई वैल्यू बताऊंगा आपको, यहाँ पर तो क्या हुआ, एच किस में हो गया, जूल इंटू सेकेंड में, सी किस में हो गया, मीटर में, तो यहाँ पर लेमडा हो गया मीटर में आ जाएगा। ठीक है, और ई यहाँ पर हमारे पास किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, फाइंड ओके। ठीक है, फिर उसके बाद में सी एच इंटू सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1240, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। ठीक है, इतनी वैल्यू होती है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप इसे चाहें तो याद रखेंगे, क्योंकि H इंटू सी का मल्टीपल बहुत सारी जगह पर हमारे पास आता है, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को कैलकुलेट किया गया है तो वहाँ पर हम इसे डायरेक्ट यूज़ कर
हम लिख सकते हैं, क्योंकि एच की वैल्यू कितनी होती है, एच की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकेंड, और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू हमारे पास आती है, और उसको हमने जूल को क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लिया, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसे याद रख सकते हैं और यहाँ पर हम उसमें रख देंगे, तो E हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, E बराबर हमारे पास फाइंड हो जाएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर में, ठीक है। और लेमडा को यहाँ पर हम लेंगे नैनोमीटर में, ठीक है। तो जैसे ही नैनोमीटर में रखेंगे तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा और हमारे पास एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1240 अपॉन लेमडा, जहाँ लेमडा हम किस में लिखेंगे, नैनोमीटर में, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। जब भी हमें किसी फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी होगी और लेमडा हमें नैनोमीटर में दे रखा है तो वहां से हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, और यहाँ से सीधा सिंपली फाइंड कर सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10^-19 जूल, और यहाँ से अगर हमें जूल में भी फाइंड करनी है तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने बताया कि किसी फोटोन की एनर्जी को हम कैसे कैसे लेमडा की टर्म्स में कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें यही चीज हम करेंगे कि कंसाइडर ए पैरेलल बीम, पैरेलल बीम है, ठीक है, लाइट ऑफ अ वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखा है, 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ दे रखी है, यानी कि हमें लेमडा दे रखा है नैनोमीटर में, ठीक है। फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में, जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो वही जो हमने देखा कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट 1240 अपॉन लेमडा, जो कि क्या किस में लेना है हमें, नैनोमीटर में लेना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा, तो 1240 अपॉन 600 जो कि नैनोमीटर में हमें दे रखी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, 6 से इसे काट देते हैं 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और पॉइंट लग जाएगा फिर 40, तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है, 6 हो जाएगा, 1 मिनट, ये तो हो गया 6 से कटा हमने, 6 से काटा हमने, ठीक है, इसको तो 10 बार काट दिया और इसको काट देंगे हम 6 से 2, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बचा, 4 बच गया, तो 4 में नहीं जा रहा है तो हम 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद में 0 लगाने के बाद में क्या होगा, पॉइंट 0 के बाद में होगा 40, तो ये 6 × 6 = 36, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया और ये हो जाएगा 26.10, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है, कहीं गलत तो नहीं हुआ, तो इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 36 = 36.6, ठीक है, यानी कि लगभग आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आ जाएगा, ठीक है, सही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है और हम इसमें डिवाइडेशन किया है, हमने सिंपली डिवाइड किया है, तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड हो गया। तो जूल में डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने क्या बताया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10^-19 जूल, तो इसको 0.06 × 1.6 × 10^-19 जूल, ठीक है। तो जूल में आ जाएगा हमारे पास वैल्यूज, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2.06 × 1.6, ठीक है, तो यहाँ से 6 × 6 = 36, 6 × 126 = 602, ठीक है, 6923 और पॉइंट्स से, 3 पॉइंट से, तो ये लिख देंगे हम 3.296 × 10^-19 जूल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी आ गई
जूल में भी आ गई और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आ गई। अगर हमें जूल में पहले फाइंड करना होता तो हम क्या करते, E बराबर लिखते एच सी इंटू लेमडा, ठीक है, और H की वैल्यू लिखते हम 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और C की वैल्यू लिखते हम 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और अपॉन में लिखते हम 600 और उसको मीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। इतना सारा करने के बाद हमें ये करना होता, जबकि हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नैनोमीटर का डिवाइडेशन कर दिया, ठीक है। अगर हमें जैसे डायरेक्ट ही दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी फाइंड करनी है और नैनोमीटर में दे रखा है, तो हम ये फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें सारे कैलकुलेशन हमें आगे भी ही जूल में जरूरत पड़ती है तो फिर हम उसी देखेंगे कि सिचुएशन क्या है और कि उसे किस प्रकार से आसानी से हल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि आगे क्या दे रखा है, मास ऑफ फोटोन की बात करते हैं कि मास ऑफ फोटोन क्या है, ठीक है। जैसे कोई भी लाइट एनर्जी आ रही है तो कभी लाइट की आपके सूरज से इतनी लाइट हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो अगर सूरज से इतनी लाइट हमारे पास आ रही है, सूरज के पास लाइट होती तो पृथ्वी पे बहुत सारा मास इकट्ठा हो जाता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसा मास हम समझते हैं, जैसे इस पेन का मास है, तो वैसा मास फोटोन के पास नहीं है, ठीक है। यानी कि इस पेन को यदि मैं कैलकुलेट करूंगा, इसका इनर्शिया देखूंगा, तो इसके पास मास है, ठीक है। तो यानी कि इस पेन का रेस्ट मास है, ठीक है। तो अगर हम चाहें कि फोटोन का रेस्ट मास है क्या, या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, क्योंकि इस पेन का न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो कि हम सिंपली मैकेनिक्स देखते हैं, समझते हैं, हमारे आसपास डेली लाइफ रूटीन लाइफ में जो चीजें दिखती है, वैसे इसका मास है, इसका मास मेजर किया जा सकता है। तो इसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में लेते हैं, क्योंकि इसको पर जो रूल्स लगते हैं वो न्यूटन वाले लगते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोटोन है वो उस पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं लगती, उस पर आइंस्टीन वाली मैकेनिक्स लगती है या क्वांटम मैकेनिक्स लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड, कैसे डिफाइंड नहीं है, कि इन द सेंस ऑफ द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिस मैकेनिक्स में हम जो सिंपली हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स होती है, तो उस मैकेनिक्स में जो मास का, जो फोटोन का मास है, उसे डिफाइन नहीं किया गया, और इस कंसेप्ट को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि भाई फोटोन के पास मास है नहीं है, ये कोई कंसेप्ट है ही नहीं, आप इसे यहीं पे छोड़ दो, और सिंपली कह देते हैं कि उसका जो रेस्ट मास है वो क्या है, जीरो है। फोटोन का रेस्ट मास जीरो मान लेते हैं, किसमें, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, यानी कि फोटोन के पास कोई मास नहीं है, ठीक है। बट इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन है, ठीक है, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड काइनेटिक मास, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक मास भी बोलते हैं, और उसी से आइंस्टीन ने अपनी फेमस इक्वेशन दी, E इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर m फोटोन का काइनेटिक मास है, फोटोन्स काइनेटिक मास, ठीक है, काइनेटिक मास है फोटोन का, ठीक है, फोटोन का काइनेटिक मास है, ठीक है। तो यहां से हम, इससे हम m से यहां पर लिख सकते हैं, इसमें आगे ब्लैंक पेपर दिया गया है, उससे आप आगे फाइंड करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हम m निकाल सकते हैं, m बराबर क्या होगा, E अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। और हमने फोटोन की एनर्जी को क्या देखा, फोटोन की एनर्जी है h न्यू बाय c स्क्वायर, ठीक है, यानी कि c स्क्वायर में हो गया। और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू को हम लिख सकते हैं न्यू बराबर c अपॉन लेमडा, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन लेमडा। तो इससे काट के हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन c लेमडा, एक c से एक c कट गया, ठीक है। तो हमारे पास मास का जो रिलेशन है वो एनर्जी की टर्म्स में भी आ गया, ई स्क्वायर अपॉन सी, फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी आ गया, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, और लेमडा की टर्म्स में भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसका मास भी ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा तो उसका मास भी ज़्यादा है, एनर्जी कम हो जाएगी तो उसका मास भी कम हो जाएगा। कौन सा मास कम हो जाएगा, काइनेटिक मास कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी से हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो क्या देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसका मास बढ़ जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होगी
तो उसका मास कम हो जाएगा, ठीक है। और यहां से हम देख सकते हैं कि मास क्या है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहां से हम देख सकते हैं कि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, ठीक है, यानी कि लेमडा बढ़ेगा तो मास घट जाएगा, ठीक है, लेमडा घटेगा तो मास बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ठीक है। यानी कि जिन कलर लाइट की लेमडा ज्यादा है उनका मास कम है, और जिन कलर लाइट की लेमडा कम है उनका मास ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि लेमडा आर रेड कलर का लेमडा जो है वो ज्यादा है, लेमडा वॉयलेट से ज्यादा है, ठीक है। तो मास ऑफ रेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मास ऑफ वॉयलेट से कम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम मास रेड जिस कलर का फोटोन है, जिस लेमडा का फोटोन है, उसके मास से हम कंपेरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ काइनेटिक मास बताया है कि मास जो फोटोन है उसके पास रेस्ट मास नहीं होता है, उसके पास काइनेटिक मास होता है, और काइनेटिक मास से आइंस्टीन ने अपनी फेमस इक्वेशन ई बराबर एम सी स्क्वायर दी, जहाँ से हमने एम का सी से रिलेशन, एम का एनर्जी और सी में रिलेशन फाइंड किया, और उसका फ्रिक्वेंसी से रिलेशन निकाला, और उसका लेमडा से रिलेशन निकाला। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है उसका मास भी बढ़ता जाता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तब भी उसका मास बढ़ता जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेमडा बढ़ता है तो मास घटता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर फोटोन के पास मास है और फोटोन के पास एनर्जी है तो क्या उसके पास मोमेंटम है क्या, तो हम देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, पी बराबर होता है एम वी, ठीक है। तो मास तो है और फोटोन लाइट का पार्टिकल है, तो वो किस स्पीड से जाएगा, सी की स्पीड से जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि फोटोन किससे चला जाएगा, एम सी से चला जाएगा, ठीक है, एम सी से चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एम सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एम सी को हम लिख सकते हैं कि एम को यहाँ पर हम लिख देते हैं, एम को क्या लिखा हमने पहले, ई अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ से एम को लिख देते हैं पी इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर सी, ठीक है। तो यहाँ से एक सी कट गया और ये क्या आ गया हमारे पास, ई अपॉन सी, ठीक है। पी क्या है, मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और ई को हम क्या लिख सकते हैं, वापस एच न्यू लिख सकते हैं, तो ये अपॉन सी हो जाएगा। और एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, तो c से c कट जाएगा और ये क्या आ गया, h अपॉन लेमडा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p बराबर h अपॉन लेमडा हो गया, ठीक है। और ऐसा ही डी ब्रोगली ने भी तो दिया था, सॉरी डी ब्रोगली वाली बात बाद में बताएंगे आपको, ऐसा डी ब्रोगली भी बताएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कि डी ब्रोए, ठीक है, डी ब्रोए क्या बताएगा कि लेमडा जो है वो क्या होता है, h अपॉन मोमेंटम होता है, किसी भी मैटर के साथ उसकी वेवलेंथ जुड़ी होती है, ठीक है, तो उसके लिए ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या बता दिया, मोमेंटम बता दिया कि हाँ फोटोन के पास मोमेंटम है, और फोटोन के पास मोमेंटम कितना है, p इक्वल टू h अपॉन लेमडा, जहाँ लेमडा क्या है, लाइट की रेडिएशन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कंसाइडर ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वेवलेंथ दे रखी है, लेमडा इक्वल टू क्या दे रखा है, 600 नैनोमीटर दे रखा है, फाइंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि एनर्जी की टर्म में भी हमें फाइंड तो क्या करना है कि P बराबर हमें H अपॉन लेमडा फाइंड करना है, ठीक है। तो या तो हम H का वैल्यूज रख के डायरेक्ट फाइंड करें, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, और यहाँ पर ये क्या है, मीटर में होगी, ठीक है। तो इसे नैनोमीटर में, मीटर को नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। तो
100 है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.62 अपॉन 6, और ये है प्लस की पावर से 100 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, और ये 10 की पावर माइनस 34, और ये हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है। जूल में क्या है, मास है, सॉरी एनर्जी है, और जूल अपॉन सेकंड है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 6 से काट देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1.1, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.23, ठीक है, और ऊपर चली जाएगी पार, तो ये इसमें ऐड हो जाएगी, तो ऐड होने के बाद हमारे पास बच जाएंगे माइनस का 27, ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन में क्या आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो, ये भी एम के एस में है, ये भी एम के एस में, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एम के एस में यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास ले लिया और वेलोसिटी ले लिया हमने, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन सही है, ठीक है, आई थिंक सही है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और नैनोमीटर में है तो मीटर में चेंज कर लिया, एच अपॉन लेमडा, लेमडा का डिवाइडेशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 6 से काटा तो 1.1 और 0.0 लग जाएगा, तो 3 इंटू, ठीक है, और 10 की पावर माइनस 34, और यहाँ से प्लस के 2 जीरो थे तो ये कम हो गए, 7 हो गया, और 7 4 यहाँ से कट गए, 3 यहाँ से कट गए, ठीक है, आई थिंक सही है, ठीक है। तो या फिर हम कैसे भी फाइंड कर सकते हैं कि मोमेंटम को कैसे फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी, एनर्जी अपॉन सी, एनर्जी अपॉन सी से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी आप फाइंड कर लीजिए, फाइंड करना आना चाहिए, बट उसमें एनर्जी को पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर डिवाइडेशन करना पड़ेगा, सीधा एक हम एच अपॉन लेमडा लिख दें, ठीक है, एच अपॉन लेमडा लिख दें, और उससे हम फाइंड कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उससे हम देखते हैं कि ईच फोटोन हैज ए डेफिनाइट एनर्जी एंड डेफिनाइट मोमेंटम, ठीक है। डेफिनेट एनर्जी है उसके पास, कितनी है डेफिनेट एनर्जी, एच न्यू, एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा है, और डेफिनेट उसके पास मोमेंटम है भी है, तो वो कितना मोमेंटम है, एच अपॉन लेमडा के बराबर का मोमेंटम है, ठीक है। और ऑल फोटोन्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लेमडा सेम एनर्जी ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा एंड सेम मोमेंटम पी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, कहने का मतलब है कि एक जो फ्रिक्वेंसी की लाइट है उसके जो सारे फोटोन है उन सभी की एनर्जी सेम होगी और सेम ही उनका मोमेंटम होगा, ठीक है, तो ये इसमें कोई इशू नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं हम कि ऑल कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड अ मैटर पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, यानी कि मोमेंटम उनका जो कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले मोमेंटम भी कंजर्व होगा और कोलिजन के पहले और बाद में दोनों टाइम पर एनर्जी भी कंजर्व होगी, ऐसा हमसे कहा गया है कि जैसे ही हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि जैसे ही फोटोन मैटर के पार्टिकल से टकराएगा या इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो उसमें कोलिजन हो रहा है, यानी कि पार्टिकल पार्टिकल के बीच कोलिजन हो रहा है, तभी तो हमने फोटोन को पार्टिकल माना है, ठीक है। और उससे कहना चाह रहा है कि जब जैसे ही ए फोटोन किसी मैटर पार्टिकल से टकराता है तो वो एक इलास्टिक कोलिजन होता है, और इलास्टिक कोलिजन कब होता है, जब उसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, कब, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद, दोनों ही स्थितियों में यदि मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो उसे हम कौन सा कोलिजन बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट है कि टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, ठीक है, वही इलास्टिक इलास्टिक को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों कंजर्व रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में फोटोन मे गेट ऑब्जर्व्ड और एंड या और न्यू फोटोन मे बी इमिटेड, ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे ही कोई फोटोन मैटर पार्टिकल से टकराता है तो या तो वो पूरा एब्जॉर्व हो जाएगा या उसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्व हो जाएगी और एक नया फोटोन निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन है वो कंजर्व नहीं रहेंगे,
या तो वो ऑब्जर्व हो जाएंगे तो फोटॉन्स की संख्या कम हो जाएगी, अगर वो ऑब्जर्व्ड नहीं हुए तो उनमें से कुछ फोटोन बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, या वही भी रह सकते हैं। तो हमसे कहा गया कि जैसे ही कोलिजन होता है फोटोन का और किसी भी मैटर पार्टिकल का, तो क्या क्या कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व्ड नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व्ड नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास कि नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन, कितने फोटोन इमिटेड हो रहे हैं ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन कितने इमिटेड हो रहे हैं ये हमें फाइंड करना है। द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन वेवलेंथ लेमडा एंड पावर पी इज गिवन एज, ठीक है, कि यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से हमें लेमडा वेवलेंथ है, उस मोनोक्रोमेटिक सोर्स की लेमडा वेवलेंथ है और उसकी पावर कितनी है, पी है, और पावर क्या होती है, एनर्जी यूनिट टाइम, ठीक है, एनर्जी यूनिट टाइम, पावर क्या होती है, एनर्जी यूनिट टाइम, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू हो जाएगी, क्योंकि उस पूरी लाइट में कितने फोटोन है, एन फोटोन है, और उसकी अपॉन टी यानी कि यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी है, ये क्या होता है, पावर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पावर को हमने लिख दिया एन इंटू टी, एन हम बड़ा लिखते हैं क्योंकि ये बाद में भी काम आएगा हमारे पास, ठीक है, यानी कि उसमें कैपिटल एन फोटोन है, उस पूरी लाइट में एन फोटोन है जो कि टी टाइम में हमारे पास इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक फोटोन की एनर्जी क्या हो जाती है, ई बराबर एच न्यू, तो उसे मैंने एच न्यू लिख दिया और ये टी हो गया, और यूनिट टाइम में कितने फोटोन इमिट हो रहे हैं ये एन एन अपॉन टी है, इसे मैं लिख देता हूँ स्मॉल एन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक रिलेशन, इस रिलेशन को ही ये कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड, कि कितने फोटोन इमिट हुए पर सेकेंड में, तो हमसे पूछ रहा है कि एन बराबर क्या हुआ, तो यहाँ से एन निकाल लेंगे हम, तो एन कितना हो गया, पी अपॉन ई हो गया, एन बराबर क्या हो गया, पी अपॉन ई हो गया, ठीक है। कि क्या हुआ कि पावर क्या होती है, पावर होती है टोटल एनर्जी पर सेकंड में कितनी इमिट हो रही है, और टोटल एनर्जी कितनी है लाइट की, एन फोटोन के बराबर की एनर्जी है, तो एन फोटोन कैपिटल एन फोटोन के बराबर की एनर्जी के, और एच न्यू को मैंने लिख दिया एक फोटोन की एनर्जी, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ फोटोन से, और यूनिट टाइम में इमिट हो रहे हैं तो एन अपॉन टी लिख दिया, और एन अपॉन टी को मैंने क्या लिख दिया कि नंबर ऑफ फोटोन यूनिट टाइम में आ रहे हैं, और उन सभी की एनर्जी कितनी है, ई एनर्जी है, कि नंबर ऑफ फोटॉन्स यूनिट टाइम में एन आ रहे हैं तो उनकी एनर्जी कितनी है, ई है, तो पी बराबर क्या हो गया, एन इंटू ई हो गया, ठीक है। और यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड क्या हो गया, एन इक्वल टू पी अपॉन ई हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन्स, नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन्स हमारे पास हो गए, नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन्स हमारे पास हो गए। उसके बाद में हम जानेंगे कि एक न्यूमेरिकल है जिसमें हम इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे कि उसे हम बताएंगे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इमिट हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी पावर कितनी है। अगर हमें लेमडा दे देगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, ई बराबर क्या लिख देंगे, एच न्यू लिख देंगे, और यदि हमें लेमडा दे रखा है तो न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, तो वो जो पहले बताया गया है वैसा ही सेम है कि फोटोन की एनर्जी है ई, और ई को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, और न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा, ठीक है, उसको क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा, उसे क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा। तो उसके बाद में हम न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि 2021 में आया था, और इस न्यूमेरिकल में हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑन एन एवरेज इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ है, ठीक है,
when it deliver the power 3.3 into 10 to the power minus 3 watt will be, और h की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है। तो हमें बताना है कि पर सेकंड कितने फोटोन इमिट हो रहे हैं, यानी कि हमें स्मॉल n बताना है, ठीक है। और स्मॉल n को हमने देखा था कि पार अपॉन एक फोटोन की एनर्जी होती है, यानी कि पूरी लाइट की एनर्जी में एक फोटोन की एनर्जी को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन कितने हो रहे हैं पर सेकंड में, वो हमारे पास फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम दे रखा है हमें कि पार, पार दे रखी है, यानी कि पी इक्वल टू तो दे रखा है हमें, और ई इक्वल टू हमें निकालना है, उसके लिए हमें लेमडा दे रखा है, ठीक है। और लेमडा से हम कैसे निकालते हैं कि एच न्यू होता है और ये हो जाता है सी अपॉन लेमडा, ठीक है। और सी अपॉन एच, सी को हम क्या लिख सकते हैं, 1240, ठीक है, 1240 लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर में, ठीक है। और ये है 600 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कट गया और ये आ जाएगा हमारे पास 6.06, क्योंकि अभी हमने किया था ना, तो वही तो है 1240 अपॉन 600 नैनोमीटर, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और इसे हम जूल में चेंज कर लेंगे, क्योंकि वोट क्या होता है, जूल पर सेकंड, वोट क्या होता है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड होता है, ठीक है, जूल पर सेकंड होता है, तो इसे हमें जूल में चेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.396 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। तो यहाँ से E आ गया हमारे पास, तो यहाँ से N को हम फाइंड कर सकते हैं, P अपॉन E, ठीक है। P की वैल्यू क्या है, 3.3 × 10⁻³, ठीक है, जूल इंटू सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है। और ये हो जाएगा 3.29, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.3 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। तो इसको मैं 3.3 लिख देता हूँ इंटू 19 जूल, ठीक है। तो 3.3 से 3.3 कट गया और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁶, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड में, 10⁻⁶ फोटोन्स इमिट हो रहे हैं, ठीक है। या हम इसे h का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर h की वैल्यू दे रखी है, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, h की वैल्यू रखेंगे और c की वैल्यू रखेंगे, और जो लेमडा में दी गई है उसे हम मीटर में चेंज करके उसे रखेंगे। और ये आप कर सकते हैं कि MKS में फाइंड कर लेंगे कि h की वैल्यू रख देंगे, c की वैल्यू रख देंगे, और जो लेमडा है उसे मीटर में चेंज करके, और फिर e का मान निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसमें p से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो पर सेकंड में फोटोन इमिट हो रहे थे वो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने क्या किया कि नंबर ऑफ कितनी पार थी, पार में एक फोटोन का डिवाइडेशन किया तो कितने नंबर ऑफ फोटोन थे वो हमें पता चल गए, ठीक है। ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स दे रखा है ऑफ लाइट ऑपरेटिंग एट 200 वोल्ट इमिट्स 4 × 10⁻²⁰ फोटोन्स पर सेकेंड, यानी कि हमें n की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल n, यानी कि पर सेकेंड इमिट होने वाले फोटोन्स की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻²⁰, ठीक है। और पार वोट में दे रखा है, यानी कि हमें पार दे रखी है 200 वोट, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, लाइट की वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है।
लाइट की वेवलेंथ फाइंड करनी है तो हम जानते हैं कि एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू में होती है, और एच न्यू को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा, ठीक है, सी अपॉन लेमडा हम लिख सकते हैं। तो यहां से हमें ई की वैल्यू से हम लेमडा फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एन बराबर क्या लिखा हमने, पी अपॉन ई लिखा, ठीक है, और ई को हम लिख देंगे पी अपॉन एच सी इंटू लेमडा, ठीक है, एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा किया तो लेमडा ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहां से हम फाइंड कर सकते हैं लेमडा को, तो ये हो जाएगा एन एच सी अपॉन पी, ठीक है, एन एच सी अपॉन पी, ठीक है, सभी वैल्यूज रख देंगे तो एन की वैल्यू है 4×10^20, ठीक है, और एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, एच की वैल्यू है 6.62×10^-34, और सी की वैल्यू क्या है 3×10^8, ठीक है, सिंपल वाले मेथड से कर रहे हैं, सभी की वैल्यूज किसमें, एम के एस में, और ये हो जाएगा 200 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा में फाइंड हो जाएगा मीटर में, तो यहाँ से काट देते हैं इसे, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये कट जाएगा 2, और ये यहाँ से ये 2 पार्ट्स है तो ये हो जाएगा, दोनों जीरो कट गए तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3×6×6.62×10^-34+20+6, ठीक है, सही है ना, सही है, ठीक है। बल कैलकुलेशन देखें ना आप, 6×2=36, 7×3=36, 3×39, ठीक है, 2 पॉइंट छोड़कर हमें लगाना है, 2 प्लेसेस छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है, 6×2=12, 1×6=36, यानी कि 7, फिर वहाँ पे 3, 6×6=36 और 3=39, और 10^ क्या होगी, 10^ हो जाएगी 14, ठीक है, माइनस का 14 में से 6 गए तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी, ये हो जाएगी 3.972×10^-9, ठीक है, हमने आगे बढ़ा दिया, सॉरी आगे बढ़ाएंगे तो पीछे हटेगा, ठीक है, आगे नहीं बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा, क्यों, क्योंकि हमने इसे माइनस माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे किया है हमने 39.2, 10 से डिवाइड कर देते हैं और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, × 10^8 क्या है 8 है, ठीक है, तो ये तो हो गया 397.2, और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ऐड हो गया, ठीक है, ऐड हो गया हमारे पास, और ये हो जाएगा नैनोमीटर में, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 10^-9 नैनोमीटर, ये मीटर में है, ये किस में है, ये मीटर में, ये भी मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, नैनोमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 397.2 नैनोमीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 10^-9 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन सॉरी सॉल्यूशन आ गया है किसका, कि हमें क्या दे रखा था, नंबर ऑफ फोटोन दे रखे थे, पावर दे रखी थी लाइट की, और हमें उससे फाइंड करना था कि आप लेमडा फाइंड करो उस रेडिएशन की या उस लाइट की लेमडा फाइंड करो, ठीक है। तो हमने लेमडा फाइंड कर दिए, कैसी फाइंड किए, हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स और पावर और एक फोटोन की जो एनर्जी है उसमें जो रिलेशन है उससे हमने लेमडा फाइंड किया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक दो ही इक्वेशन बनती है, एक तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और दूसरी बनती है कि ई बराबर एच न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लेमडा, बस। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी पर, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी का मतलब है कि यूनिट एरिया में कितनी पावर आई, ठीक है, यूनिट एरिया में कितनी पावर आई, ठीक है, एनर्जी, ठीक है,
या फिर हम क्या लिख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ पावर कितनी आई यूनिट एरिया में, और पावर क्या होती है कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी आई, ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी क्या होगी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट एरिया में एक सेकंड में कितनी पावर आई, इसे इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली पर सेकंड, ठीक है, पर यूनिट एरिया और पर सेकंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स, ठीक है, उसे ही इंटेंसिटी बोलते हैं या उसे एनर्जी फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने क्या लिखा कि आई इक्वल टू क्या लिखा, ई अपॉन टी इंटू ए, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं, ठीक है, पावर इंटू ए। यहां पर अगर आप कंफ्यूजन नहीं हो तो यहां पर मैं स्मॉल, यहां पर मैं कैपिटल एन लगा देता हूं, ठीक है, यानी कि एन फोटोन की एनर्जी आ रही है, एन फोटोन की एनर्जी आ रही, क्योंकि आप फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे कि ई बराबर मैंने एच न्यू लिखा था, ठीक है, एन फोटोन आ रहे हैं तो एन फोटोन की एनर्जी हो जाएगी, टी सेकंड में एन फोटोन आ रहे हैं क्योंकि अभी इसको फोटोन से हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एन फोटोन की एनर्जी को मैंने लिख दिया एन फोटोन अपॉन टी, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एन अपॉन टी को मैं क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल एन, और स्मॉल एन इंटू ई क्या होता है, पावर पी, तो पावर पी अपॉन एरिया लिख दिया मैंने, ठीक है। या फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, या मैं इसे लिख सकता हूँ स्मॉल एन ई अपॉन ए, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई को एच न्यू भी लिख सकते हैं, और एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं कि क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, या हम इसे क्या लिख सकते हैं कि एन बराबर क्या होता है, पी अपॉन ई, ठीक है, और ई को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा। तो यहां से हम स्मॉल एन को क्या लिख सकते हैं, वही आ जाएगा हमारे पास लेमडा अपॉन एच सी, तो पी अपॉन ए आ जाएगा, पी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम रिलेशन बना सकते हैं, क्या रिलेशन बनाया हमने कि एनर्जी इंटेंसिटी क्या होती है कि यूनिट टाइम और यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी आ रही है, और कितनी एनर्जी क्या है, एन फोटोन की बराबर की एनर्जी हमें फाइंड हो रही है, तो एन फोटोन की एनर्जी फाइंड हुई, तो एन फोटोन इंटू एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी इंटू अपॉन टी, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, पावर, पावर अपॉन एरिया, और उस एनर्जी को हमने चेंज कर दिया एच न्यू के रूप में और लेमडा के रूप में, ठीक है। बट क्या होती है कि इंटेंसिटी में क्या होता है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या होते हैं, रिमेन्स सेम रहती है, यानी कि इंटेंसिटी में नंबर ऑफ फोटोन्स पर डिपेंडेंसी है कि नंबर ऑफ फोटोन कितने आ रहे हैं यूनिट टाइम और यूनिट एरिया में, हर एक फोटोन की एनर्जी क्या है, सेम है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी या जो लेमडा है वो चेंज नहीं हुआ है। उसे ही मैंने ऐसे बताया कि एक येलो ब्लब है जिसकी लेमडा क्या है, लेमडा वाई है, एक दूसरा येलो ब्लब है जिसकी लेमडा क्या है, लेमडा वाई है, तो उसकी एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, एच सी अपॉन लेमडा वाई, और इस फोटोन की भी एनर्जी क्या हो जाएगी, एक फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, एच सी अपॉन लेमडा वाई, ठीक है। या इसे हम फ्रिक्वेंसी में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, लेमडा न्यू वाई, और ये भी क्या हो जाएगी, न्यू वाई, तो यहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, ई बराबर एच न्यू वाई, ठीक है। तो उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी या जो वेवलेंथ है वो सेम है, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि ये ब्लब है जो 50 फोटोन पर सेकंड इमिट कर रहा है, और ये जो ब्लब है वो एक फोटोन पर सेकंड इमिट कर रहा है, तो इंटेंसिटी देखेंगे तो हमने देखा कि 50 फोटोन यानी कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, ठीक है, ई इंटू ए, ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इसकी इंटेंसिटी, और ये क्या कर रहा है, एक फोटोन की इंटू एनर्जी अपॉन यूनिट टाइम और यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि दोनों में जो एक एक फोटोन की एनर्जी है वो तो सेम है, ठीक है। तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर इंटेंसिटी डिपेंड करती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि मास क्या है, सबसे पहले फोटोन की एनर्जी पढ़ी हमने, फोटोन की एनर्जी के बाद उसका मास पढ़ा,
मास के बाद हमने उसका मोमेंटम पढ़ा, मोमेंटम के बाद हमने इंटेंसिटी पढ़ी और नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन्स पढ़े, ठीक है, नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन्स पढ़े। अब हम एक कंसेप्ट है जिस पर पहले क्वेश्चन आता था, ठीक है, नीट में क्वेश्चन आता था और ये अगर आगे भी आ जाए तो इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो बताना मेरा फर्ज है। और इसमें कुछ नहीं, इसमें कोलिजन का कंसेप्ट लगा हुआ है तो वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, कि मोमेंटम फोर्स क्या होता है, इसमें हम फाइंड करेंगे क्या, रेडिएशन फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, और रेडिएशन प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले वहीं से उल्टा शुरू करते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि अगर हमारे पास फोर्स आ जाए तो हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि फोर्स में हम एरिया का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स फाइंड करने के लिए अगर फोर्स का जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है कि फोर्स तब फाइंड कर सकते हैं जब किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज हो रहा हो, कि टाइम के साथ बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा हो। तो यदि हमें मोमेंटम में चेंज मिल जाए तो उसे हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा, ठीक है, बस इतना सा ही हमें करना है। कि अब हम देखेंगे कि फोटोन का जो मोमेंटम है वो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस है, कौन सा केस है, कि व्हेन रेडिएशन आर फॉलिंग नॉर्मली ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है उस पर हमने फोटोन को इमिट किया है, ठीक है, और एन फोटोन्स आर फॉलिंग इन टाइम टी, तो एन फोटोन एन अपॉन टी, यानी कि यूनिट टाइम में कितने फोटोन इमिट हुए, स्मॉल एन, और टी टाइम में कितने इमिट हो रहे हैं, कैपिटल एन, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि एक इस प्रकार से एक ऐसी सरफेस है, आप भी बना सकते हैं, एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो जैसे ही फोटोन आया, ठीक है, ये फोटोन आया तो फोटोन का जो मोमेंटम है वो P1 क्या हो जाएगा, हमने देखा था कि फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, H अपॉन लेमडा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव, जैसे ही टकराया टकरा कर वापस चला जाता है, ठीक है, वापस चला जाता है तो उसका मोमेंटम हो जाएगा P2, जो कि हो जाएगा माइनस डायरेक्शन में, ठीक है, ये 4 नहीं है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो डायरेक्शन हमने लगा दी। अब हमने लिख रखा है, ठीक है, कि मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस, सरफेस को टकराने से पहले मोमेंटम क्या था, एच लेमडा था, किसका, एक फोटोन का, अगर एन फोटोन है तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एच अपॉन लेमडा, ठीक है। फिर उसके बाद में आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, सरफेस को स्ट्राइकिंग करने के बाद क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो क्या हो गया, लेमडा एन माइनस एन अपॉन एच, ठीक है, एच अपॉन लेमडा, ठीक है, एन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स है, नंबर ऑफ फोटोन्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो वहां पर हम क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी टू माइनस पी वन किया तो हमारे पास क्या गया, माइनस टू एन एच अपॉन लेमडा, ठीक है। अब क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, तो जितना मोमेंटम फोटोन का चेंज हुआ है उतना ही मोमेंटम किसका चेंज होगा, सरफेस का चेंज होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद दोनों में क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मोमेंटम में इतना चेंज हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मोमेंटम को जो सरफेस को ट्रांसफर होगा, सरफेस को जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा या सरफेस का जो मोमेंटम चेंज होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इतना हो जाएगा, ठीक है, टू एन प्लस एच लेमडा, क्योंकि दोनों में क्या है, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, तो नेगेटिव डायरेक्शन में मोमेंटम के फोटोन के मोमेंटम में चेंज हुआ है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सरफेस के मोमेंटम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मोमेंटम में चेंज आ गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि न्यूटन के सेकंड लॉ से अगर मोमेंटम में चेंज आ जाए तो उसकी हम रेट ऑफ चेंज निकाल देंगे, यानी कि हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो रेडिएशन फोर्स ऑन द सरफेस, ठीक है, तो किसका फोर्स पर सरफेस ले रहे हैं, तो मोमेंटम भी किसका लेंगे, सरफेस का लेंगे, तो सरफेस का मोमेंटम ले लिया ये मैंने,
और उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है, मोमेंटम किसका लिया, सरफेस का, और उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर बन रहा है कैपिटल एन अपॉन टी, तो उसको मैंने लिख दिया स्मॉल एन, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ स्मॉल एन को पावर अपॉन एनर्जी के रूप में लिखा है, पी अपॉन लेमडा एच सी, क्योंकि यहाँ पर ई को क्या लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं ना अपन एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है, तो उसको मैंने अपोजिट करके लिख दिया, और यहाँ पर हमने जो एन था उसको हमने लिख दिया पी लेमडा अपॉन एच सी पावर के रूप में लिख दिया। ये तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, आपको पहले पावर निकालना, सॉरी आपको पहले फोर्स निकालना आना चाहिए। क्या किया हमने, कि हमने क्या किया कि मोमेंटम, एक फोटोन का मोमेंटम जो आ रहा था, ठीक है, वो जैसे टकराया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है, एक का एन का हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, तो मोमेंटम में चेंज निकाला किसके, फोटोन के मोमेंटम में चेंज निकाला, जितना फोटोन के मोमेंटम में चेंज हुआ उतना ही ट्रांसफर होगा किसको, सरफेस को ट्रांसफर हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, क्योंकि दोनों स्थितियों में क्या देखना है हमें कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद दोनों में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है, तो फोर्स किस पे निकालना है, सरफेस पे निकालना है, तो मोमेंटम किसका लेते हैं, सरफेस का, और सरफेस का मोमेंटम में चेंज निकाला और उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, यानी कि मोमेंटम के मोमेंटम में चेंज के रेट, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें फाइंड करना है, तो टाइम से हमने डिवाइड कर ले। कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो उसमें टाइम में जो चेंज हुआ उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो टाइम से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमें मिला कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, कैपिटल एन अपॉन टी, तो उससे क्या हुआ है, स्मॉल एन जो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स है पर सेकेंड में, और नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होते हैं, पावर अपॉन एक फोटोन की एनर्जी, और उसी को हमने चेंज करके लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। और हमने कहा था कि फोर्स अगर हमें मिल जाए तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर हम निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, रेडिएशन प्रेशर एफ अपॉन ए, और यहाँ से एफ को हमने लिख दिया 2p अपॉन सी और 2p अपॉन ए, ठीक है, और p अपॉन ए क्या हो जाता है, इंटेंसिटी हो जाती है, p अपॉन ए क्या हो जाता है, इंटेंसिटी हो जाती है, तो 2i अपॉन सी हमारे पास क्या हो गया, रेडिएशन प्रेशर हो गया, ठीक है। ये तो कब हुआ, जब जब क्या हुआ, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि जब है ना एब्जॉर्व हो जाए फोटोन, उसमें एब्जॉर्व हो जाए, ठीक है, व्हेन रेडिएशन आर फॉलिंग नॉर्मली ऑन परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, यानी कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, यानी कि जो फोटोन आया वो सरफेस के अंदर चला गया, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से फोटोन आया, ठीक है, इस प्रकार से फोटोन आया और इसी में चला गया, पहले फोटोन का P1 जो था वो क्या हो जाएगा, एच अपॉन लेमडा एक फोटोन के लिए देखते हैं हम, और वापस जो फोटोन नहीं आ रहा है तो उसका P2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, और डेल्टा P क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, यानी कि ये क्या हो गया, माइनस एच अपॉन लेमडा, सिर्फ एक फोटोन की बात कर रहे हैं, हाँ एक फोटोन की बात कर रहे हैं, तो एक फोटोन की, और अगर n फोटोन होंगे तो कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये तो किसका है, फोटोन का है, तो सरफेस का क्या हो जाएगा, चूंकि सरफेस का अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2, ठीक है, तो हम रेडिएशन प्रेशर किस फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, सरफेस पे, तो सरफेस पे फोर्स क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2, ठीक है, क्योंकि जो मोमेंटम, जो फोटोन का मोमेंटम था उसके अपोजिट है सरफेस का मोमेंटम में चेंज, तो हम मैंने क्या लिखा, माइनस लगा के P1 माइनस P2 लिख दिया, P1 माइनस P2 लिख दिया, और एक फोटोन का मोमेंटम तो एच अपॉन लेमडा था, और एन फोटोन का क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन, और यह क्या हुआ, माइनस जीरो, ठीक है, क्योंकि P2 क्या है, जीरो है, P1 क्या है, एन एच अपॉन लेमडा है, एन फोटोन्स का मोमेंटम, और अपॉन क्या किया मैंने, टाइम से डिवाइड कर दिया, तो एन एच अपॉन टी लेमडा हमारे पास क्या आया, फोर्स आ गया, ठीक है, और एन अपॉन टी को मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल एन लिख दिया, एन कैपिटल एन अपॉन टी को मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल एन लिख दिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या लिखा कि स्मॉल एन बराबर क्या होता है, पी अपॉन ई होता है, ठीक है, पी अपॉन ई होता है, तो पी अपॉन ई से मैंने लिख दिया, पी अपॉन ई लिख दिया मैंने, एन को पी अपॉन ई लिख दिया, पी अपॉन ई, ठीक है, और ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई को मैं लिख सकता हूँ एच अपॉन सी लेमडा, तो लेमडा से
सॉरी एच से एच कट जाएगा, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एच सी अपॉन लेमडा लिखेंगे, ठीक है एच सी अपॉन लेमडा लिखेंगे। दोबारा करते हैं, जो पहले किया था वही है, सेम क्वेश्चन तो सेम ही है, ठीक है दोबारा करते हैं। ठीक है, एन को क्या लिखा मैंने, एन को लिखा मैंने पावर अपॉन एनर्जी, ठीक है पावर को लिखा पी, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं पावर को लिख दूंगा मैं पी एफ, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने पी, और एनर्जी को मैं लिख देता हूँ एच सी अपॉन लेमडा, और तो लेमडा ऊपर चला गया, ठीक है और यहाँ पर मैंने लिख दिया तो फोर्स बराबर क्या हो गया, फोर्स बराबर हो गया पी लेमडा अपॉन एच सी इंटू एच अपॉन लेमडा, तो लेमडा से लेमडा कट गया और एच से एच कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया पी अपॉन सी, तो फोर्स बराबर क्या आ गया पी अपॉन सी, ठीक है। और पहले वाले में क्या आया था टू पी अपॉन सी, पहले वाले में क्या आया था हमारे पास टू पी अपॉन सी, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास आ गया, तो उससे हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, और प्रेशर को हमने लिख दिया पी अपॉन सी, और पी से पी अपॉन ए को हमने लिख दिया इंटेंसिटी, तो आई अपॉन सी, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी आया कि ए आई पी एम टी 2007 में क्वेश्चन भी आया इसके ऊपर, उसके बाद में तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट फिर भी क्योंकि पी वाई क्यू में क्वेश्चन है और आप मुझसे पूछते तो फिर मुझे बताना पड़ता, तो इतनी बड़ी चीज को एकदम से एक किसी एक बच्चे को नहीं बताया जा सकता, तो सभी बच्चों को बताने में फायदा है, ठीक है। ये आप तब देखना जब आपका पहले वाला जो इस चैप्टर के जो पहले के भाग है वो क्लियर हो जाए, उसी के बाद इसे टॉपिक को उठाना। वैसे कोई इशू नहीं है क्योंकि कोलिजन का टॉपिक आपने पढ़ रखा है, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ दे रखी है हमें, ठीक है, मस्ट स्ट्राइक अ टोटल रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन पर सेकंड नॉर्मल इंसिडेंट सो एज शो एज टू एक्सर्ट अ फोर्स 1 न्यूटन। यानी कि हमें क्या दे रखा है, हमें फोर्स दे रखा है 1 न्यूटन का, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि पर सेकंड में हमारे पास कितने फोटोन हैं, ठीक है, यानी कि हमसे स्मॉल एन पूछा जा रहा है, और हमारे पास क्या है लेमडा दे रखा है 6600 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें फोर्स दे रखा है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन है, यानी कि फोर्स हम कौन सा लेंगे, फर्स्ट सिचुएशन वाला लेंगे जिसमें हमने क्या लिखा 2p अपॉन c लिखा, और p को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है p को हम लिख सकते हैं n into e c, ठीक है n into e c लिख दिया हमने, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी को क्या लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है ई को क्या लिख सकते हैं, ई को हम लिख सकते हैं ना एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है एच सी अपॉन लेमडा लिख दिया हमने, ठीक है और फोर्स हो गया ये, ठीक है फोर्स हो गया। तो यहाँ से हम लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें क्या फाइंड करना है स्मॉल एन फाइंड करना है, तो स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा फोर्स इंटू लेमडा अपॉन टू एच सी, ठीक है। तो वैल्यूज पुट रख देते हैं कि फोर्स का क्या है 1 न्यूटन की वैल्यू है, और लेमडा क्या है 6 × 10⁻⁹ में हो जाएगा, क्योंकि सभी वैल्यूज हमें एमकेएस में लेनी है, तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज करके रख दिया मैंने, ठीक है और उसके बाद में 2 × 6.6 × 10⁻³⁴ एच की वैल्यू, ठीक है उसके बाद में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 10⁸ m/s, और ये किस में हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड में, ये किस में न्यूटन में है, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसे, तो ये वैल्यूज हमें फाइंड हो जाएगी कि 6.6 से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ठीक है तो इसे जूल
जूल सेकंड को हम हटा देते हैं, ठीक है। सभी एम के एस की वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ठीक है, तो यहां से हमें क्या फाइंड हो जाएगा, यहां से हमें एन फाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, 6.6 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1.6, है ना। तो ये हो जाएगा 6.6 से ये कट गया, तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 100, ठीक है। क्योंकि ये 10 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। कि पॉइंट हटेगा तो जीरो लग जाएगा, और जीरो मैंने इसी के लगा दिया, तो 66 हो जाएगा ये, और ये कट जाएगा 1 बार, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1.6, 2 × 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये है माइनस का 34, ठीक है। 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये 10 की पावर 3 है, प्लस की 3, माइनस का 9, और ये 34 ऊपर चलाया जाएगा, तो प्लस का 34 हो जाएगा, पावर्स में चल रहे हैं, और ये माइनस की 8 हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना भाई, कैलकुलेशन गलत नहीं हो जाए, ये देख लेना बस, ठीक है। कैलकुलेशन गलत नहीं हो जाए ये देख लेना, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/6 × 10^2 है, प्लस की 3, प्लस की 3 है, माइनस का 9 है, 34 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। तो 1/6 में हो जाएगा 0.1 के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। और इनटू हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 8, 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 29, 29 = 20, ठीक है, सॉरी 34 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 26, 26 में से 9 जाएगा, 26 में से 9 जाएगा तो 17, और 17 + 3 तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, सही है, देख लेना, ठीक है। ये हो जाएगा लगभग 10^19 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, फोटोन पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमने क्या क्या देखा, कि हमने किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, कि प्रेशर से हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर ऑफ फोटॉन्स को जो कि पर सेकंड में इमिट हो रहे हैं, ठीक है, पर सेकंड में इमिट हो रहे हैं, उन्हें हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। कि नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम कैसे फाइंड कर रहे हैं ये हमने देख रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो कोई गलती तो नहीं हो रही है, कि हमने क्या किया, हमने फोर्स को फाइंड किया हमने किस वाले क्लासिफिकेशन से फाइंड किया, हमने इससे फोर्स को फाइंड किया हमने 2p/c, और p क्या था, यहाँ पर p था एनर्जी, और एनर्जी को क्या लिखा हमने, p को हमने लिखा n × e, तो ये हो गया 2/c n × e, ठीक है। और e को क्या होता है, e होता है 2nhc/λ, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, c, तो c से तो c कट गया ना, तो ये हमारा कहाँ गया, c हमारे तो आ रहा है, हमने तो c की वैल्यू रखी है, तो ये क्या हुआ,
अरे ये सी था ना, ये सी था, ये लेमडा नहीं था, ठीक है, यहाँ पर भी सी था, एच सी अपॉन लेमडा, और ये भी तो सी था, ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, ठीक है, तो यहाँ से हम एक बार इक्वेशन करते हैं सॉल्व, ठीक है, कि हमने क्या किया, हमने एक वैल्यूज छोड़ दी, ठीक है, और आपने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या किया, कि e को लिखा एच सी अपॉन लेमडा, बट उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो देखते हैं हम सही कर लेते हैं मिस्टेक को, क्या इशू है, ठीक है, इरेजर कहाँ गया भाई, इरेजर यही है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, तो उसे सही करेंगे, कि हमने क्या लिखा था, e को एच सी अपॉन लेमडा था, एच सी अपॉन लेमडा था, और उसने c से c कट रहा है, ठीक है, और वो हमने नहीं काटा है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या गलती हुई, कि e को हमने क्या लिखना था, हमें लिखना था एच सी अपॉन लेमडा, तो e को हमने लिखा एच सी अपॉन लेमडा, बट यहाँ पर c था पहले से, तो इस c से ये c कट जाता है, ठीक है, और ये हो जाएगा 2n एच अपॉन लेमडा, और ये हो गया f, ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे n को, तो ये क्या हो गया f इंटू लेमडा, और ये हो गया 2h, ठीक है, 2h अपॉन में गया, और यहाँ से n हमें फाइंड हो गया, ठीक है, f को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे f को हम लिखेंगे 1 न्यूटन, और h की वैल्यूज क्या है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34, फिर हमने गलती कर दी, हमने क्या गलती करी, हाँ लेमडा लिखना है, और लेमडा की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेमडा लिखना है हमें, लेमडा क्या है 660, और नैनोमीटर में है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 9 मीटर में, ठीक है, और अपॉन में 2 है, और 2 क्या है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34, ठीक है, तो यहाँ से 6.6 से ये काटेंगे, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटा दिया, तो ये हो जाएगा 66000, और 66 से ये कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हम वैल्यूज रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 500, ठीक है, ये हो जाएगा 500 इंटू, और 34 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 में से 9 जाएगा तो 25 हो जाएगा, 10 की पावर 25, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू 10 की पावर 27 फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि पर सेकंड में इतने फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, ठीक है, पर सेकंड में इतने फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, कितने फोटोन इमिट हो रहे हैं, 5 × 10^27, एक तो ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कभी भी नंबर ऑफ फोटॉन्स नेगेटिव में नहीं आएंगे, यानी कि उनकी 10 की पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, क्योंकि कभी भी संख्या नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है, और ये हमेशा ऐसी वैल्यूज देगा कि हमें पूरे प्रॉपर फोटॉन्स मिले, ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि रेडिएशन प्रेशर हमने कैसे फाइंड किया, ये हम निकाल सकते हैं, और यहाँ तक आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने फोटॉन्स के बारे में सारी जानकारी ले ली, अब अगले लेक्चर में हम फोटो सेल के बारे में पढ़ेंगे, और फोटो सेल के बारे में पढ़ने के बाद हम मैटर की ड्यूअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें 3 टॉपिक्स मेजरली पढ़ने, फिर उसके बाद में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आज तक के लिए धन्यवाद, और आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जो भी इनके PYQ बचे हुए हैं वो आप करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।